नीम के नुकसान। नीम कहने को तो प्रकृति का वरदान है, लेकिन इसका इस्तेमाल सतर्कता के साथ ही किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं क्यों। एक रिसर्च के मुताबिक नीम के अर्क में ब्लड शुगर के स्तर को कम करने की क्षमता होती है। ऐसे में जिन लोगों को लो ब्लड शुगर की समस्या है, बेहतर है वे लोग नीम के सेवन से परहेज करें। अगर नीम का सेवन करते भी हैं, तो उन्हें अपने ब्लड शुगर लेवल की नियमित जांच और निगरानी करना आवश्यक है। शुगर के मरीज इसका सेवन डॉक्टरी परामर्श से करें, क्योंकि इसमें ब्लड शुगर की मात्रा को कम करने का गुण भी मौजूद है। ऐसे में इसका सेवन ब्लड शुगर लेवल को सामान्य से कम कर सकता है। खास तौर से अगर कोई मधुमेह की दवा का सेवन कर रहा है, तो नीम के सेवन से पहले विशेषज्ञ की राय जरूर लें। अगर किसी की त्वचा संवेदनशील है, तो नीम के इस्तेमाल पहले पैच टेस्ट जरूर करें। एलर्जी की समस्या वाले लोगों को नीम के सेवन से बचना चाहिए। जैसे कि हमने पहले ही जानकारी दी है कि नीम में गर्भनिरोधक गुण मौजूद होते हैं। जानवरों पर किए गए शोध में नीम का अर्क गर्भावस्था को समाप्त करने में सफल पाया गया है। ऐसे में इस स्टडी को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि गर्भवती महिलाओं को भी नीम के सेवन से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए। गर्भवती और बच्चों को नीम या नीम युक्त खाद्य पदार्थ देने से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर लें। इसके अलावा अगर किसी को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तब भी नीम का सेवन विशेषज्ञ से राय लेने के बाद ही करें। उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आप नीम के लाभ के साथ साथ सावधानी के तौर पर हमने वीडियो में नीम के नुकसान की भी जानकारी दी है। वहीं नीम के नुकसान से बचाव के लिए हमने वीडियो में नीम के उपयोग की जानकारी भी साझा की है। ऐसे में सही तरीके से नीम का उपयोग कर नीम का लाभ उठाया जा सकता है। हालांकि एक बार फिर से आपको बता दें कि नीम किसी बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि बीमारी के प्रभाव और लक्षणों को कम करने के लिए उपयोगी हो सकता है।